ने कहा कि इससे हिमंता बिस्व शर्मा ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसमें वो यूसीसी की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि समानता वाला कानून ही है यूसीसी। यूसीसी कहता है कि भाई अलग 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 धर्मों के हिसाब से कानून ना हो, एक कानून हो, एक सिविल कोड हो। और इसीलिए शायद ये जो कानून है ये अगर सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ भी रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है जवाद साहब? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी की है तीन बीमारी, हाँ, झूठ, नफरत और बेईमानी। अब देखिए कितना बड़ा बड़ा आलोक जी भी टीवी के ऊपर झूठ बोल रहे थे, आपने उनको रोका नहीं। उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड को लेकर के कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता है, तब के जाया जा सकता है। कितने ट्रिब्यूनल बने हुए हैं और जो ट्रिब्यूनल जो बने हुए हैं इस देश के अंदर 30 से अधिक है, तो उसके अंदर लोग कौन बैठते हैं? हाँ। जो सर्वेयर होते हैं वो कौन बैठते हैं? जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते हैं वो तो सरकार का ही माउथपीस होते हैं। उसकी जो पूरी चीजें बनी होती हैं वो कौन बनाता है? वो सरकार, स्टेट सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के बहुत सी चीजें होती हैं वो डिसाइड करते हैं। तो लगातार झूठ बोलने की बीमारी, फिर उसके बिहाफ पे नफरत फैलाने। आप कह रहे हिमंता बिस्व शर्मा बहुत अच्छे सजे हुए बयान देते हैं, अभी तो उन्होंने पत्रकारों को लेकर के बयान दे दिया, पत्रकारों के बीच वो हिंदू और मुसलमान करने लगे। देखिए जाकर अभी क्या स्टेटमेंट दिया, एक पत्रकार का नाम पूछते ही वो चालू हो गए हिंदू मुसलमान। महंगाई बढ़ती है तो उसके लिए मियां भाई जिम्मेदार होते हैं। वो इसलिए दिया जा रहा है कि योगी जी के अगेंस्ट में हो सकता है हिमंता बिस्व शर्मा को जो वो खड़ा करा जाए और इस तरीके से नफरती बयानबाजी करी जाए। तीसरी सबसे बड़ी बात, अब पॉलिटिकल एजेंडे में बताइए, मुझे ये बताइए बयान पे मैं सवाल पूछ रही हूँ। अगर काजी को रजिस्ट्रेशन नहीं, सरकार रजिस्ट्रेशन करेगी नहीं, आप माहौल बहुत बनाते हैं, आप मुद्दे पर काम आते हैं। ऐसा लगता है कि भाषण का एक अवसर मुझे मिल गया तो मैं रैली को संबोधित कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। प्लीज मुद्दे पर बोलिए, दुखती रख पे हाथ रख देता हूँ तो तकलीफ होने लगती है। किसी को तकलीफ नहीं, मुझे तकलीफ है क्योंकि आप डिरेल करते हैं डिबेट को। आगे बोलिए ना, सुनिए, मैं बता रहा हूँ सच्चाई है, कोई दुखती रख नहीं है। ऐसा लग रहा है आपको हिमंता बिस्व शर्मा जो है वो लगातार इस तरीके की चीजें करते हैं, रजिस्ट्रेशन बहुत सी जगह पे होते हैं। फिर यूसीसी का भी मुद्दा छेड़ा गया, भाई साहब गुजरात के अंदर क्यों नहीं है? फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है? गुजरात के अंदर तो तीन बार मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी रह चुके हैं, वहां लेकर के नहीं आए। हिमंता बिस्व शर्मा नए अभी आए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी से निकल के आए तो वहां लेकर के आते, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से कंसर्न हुआ नहीं हुआ, गृह मंत्री जी से हुआ या नहीं हुआ कंसर्न, वहां लेकर के आते। उत्तराखंड में लेकर के आए, लेकिन गुजरात में जहां उनकी 28 साल से सरकार है वहां नहीं लेकर के आए। उसके बाद मध्य प्रदेश में इतने सालों से सरकार है वहां लेकर के नहीं आए। ये पूरा झूठ का और नफरत का जो पुलिंदा बना करके कोशिश करी जा रही है वो सिर्फ इसलिए है सुचारता जी, अभी 240 पे रुके हैं, 300 से ऊपर थे, फिर अब चार राज्य के चुनाव होने जा रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ मसाला मिल जाए हिंदू मुसलमान करके, थोड़ी अपनी राजनीतिक रोटियां सीख जाएं, वो होने वाला नहीं। अभी चार राज्यों में जो बड़ा कहा जाता था कि वो हो नहीं रहा है, वो हो नहीं पा रहा है 10 साल से। और सुनिए आलोक जी आपके लिए है, बैसाखियों पे रेस के अंदर दौड़ा नहीं जाता है। आपकी सरकार अब बैसाखियों पे आई, एक बार जाकर के जवाद साहब, जवाद साहब आपके जो सहयोगी दल है उनको कंसर्न कर लीजिए आलोक जी, बैसाखियों पे भागने की कोशिश। जवाद साहब, मैंने शुरुआत में आपके संबोधन में कहा कि आपको ऐसा लगता है एक मौका मिल गया मुझे भाषण देने का, आज मैं भाषण नहीं, आप बहुत लंबा समय ले लेते हैं और फिर आप रुकते नहीं है। मुद्दे पे बात करते हैं, मैंने आज जो काजी वाला मुद्दा उठाया है उस पर क्योंकि बहुत से मौलाना आपत्ति जता रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर हिंदुओं में भी शादी होती है तो ऐसा नहीं है कि किसी पंडित का काम छिन गया है, वो करेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन सरकारी होगा, ये जरूरी है। और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सी कुरीतियों को रोकने के लिए है। तो अगर इसे इस तरह बताया जाए कि भाई मौलाना भड़क रहे हैं और ये कहा जा रहा है, यूसीसी लाने का एक रास्ता जरूर इसे कहा जा रहा है। लेकिन मैं एक बार वरुण जी के पास जल्दी से जाती हूं। वरुण जी, आपके वहां असम में जो कांग्रेस के विधायक है वो तो खुलकर कह रहे हैं हम इसका विरोध करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे। देखिए सुचारिता जी, हिमंता भी कांग्रेसी है और आप तो बात एग्जांपल में दे रहे हो कांग्रेसी भी। अजय आलोक जी ने एक प्रश्न उठाया, हिंदुओं के ऐसे बोर्ड क्यों नहीं? भाई 10 साल से आपकी सरकार, 7 साल अटल जी की सरकार, आपने क्यों नहीं बना दिया? और अभी आपने पंडितों का बात करी तो मेरे मुझे बताइए, हरिद्वार में, सोरोजी में, गया जी में पंडा सारे रिकॉर्ड बना के रखते हैं, उनको क्या सहायता करी मोदी जी ने 10 साल में? वो देवस्थानम बोर्ड बनाया उत्तराखंड में, सारे विरोध किया, जब जाके इनको वापस लेंगे। पूंजीवादी सोच है, पूंजीवादियों को घुसाना चाह रहे थे देवस्थानम बोर्ड में भी उत्तराखंड में, उस समय सबने विरोध किया। इनकी जो सोच है सोशल रिफॉर्म्स की सोच नहीं है,
अभी जो 4 जून का इनका परिणाम आया, एक तो उससे ध्यान भटकाना चाह रहे हैं क्योंकि इनको लगा कि पूरी तरह सेटबैक लग गया, तो कैसे ना कैसे हिंदू मुस्लिम करें। जो पार्टी मोदी लेड पार्टी की बात कर रहा हूं, अटल जी अडवाणी जो की नहीं, जो धर्म और आस्था को पर्यटन पर्यटन करने लग जाए उसकी क्या सोच होगी। मैं तो कह रहा हूं ये भूमाफिया की तरह देश पे राज करना चाह रहे हैं। कभी खबर आती है जेएनयू की जमीन बेच देंगे, कभी खबर आती है अयोध्या में किस किसने रजिस्ट्रियां करा ली जमीन की। तो ये तो धर्म के नाम से देश को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके धर्म संस्कारों को समाप्त करना चाहते हैं। ये क्यों नहीं मेरे से इनसे पूछिए, 8-10 साल से सरकार है, संस्कृत क्यों नहीं लागू करती 1 से 12वीं तक। नहीं नहीं सुनिए सुनिए, वहां पर क्या बयान दिया जा रहा है, एक बार मैं जरा अपने अपने मेहमानों को भी बताऊं। वरुण जी वहां पर बयान क्या दे रहे हैं कांग्रेस के नेता, वो कह रहे हैं कि इनको मौलाना बनने का शौक है हेमंत बिस्व शर्मा को, तो सीएम पद छोड़ दे और मौलाना बन जाए। अगर वो एक बदलाव कर रहे हैं, और मुझे नहीं समझ आता कि वो बदलाव क्या लड़कियों के लिए, खासकर अंबर वो लड़कियों के लिए को ध्यान में रखकर किया गया है, क्योंकि बहुत सी ऐसी नाबालिग बच्चियां जिनकी शादी कराई जा रही थी, अब वो रजिस्टर ही नहीं होगी असम में। एब्सोल्युटली सुचारिता, जैसे कि मैंने पहले भी ये बात कही कि रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से बच्चियों और महिलाओं के साथ बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिसका इसके द्वारा निवारण हो सकता है। लेकिन जो मौलाना साहब का बयान है उस पर मैं आती हूँ, इस बयान से आपको डर समझ में आ रहा है, उनको लग रहा है कि अगर रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी, जो काजी के पास पूरी पावर होती थी कि जो शादी को नल एंड वॉइड, आपका निकाह जायज है नाजायज है, अब हलाला करना पड़ेगा, अब आपको ये करना पड़ेगा, वो पूरा जिससे उनको कमाई होती थी, जिससे उनके मजे आते थे, वो सब तो चला जाएगा। तो फिर सरकार, अरे बिल्कुल नहीं, हमें पता नहीं है, आपको पता है, हम 10 साल से काम कर रहे हैं और आप हमें बता रहे हैं कि हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है, हम काम करते हैं महिलाओं के बीच में, देश भर की महिलाओं की समस्या मैं सुनती हूँ, आप लोग नहीं सुनते हो, आप उन महिलाओं को कहते हो कि खरीदी हुई है, संघ की दलाल है। तो आप बोलिए ना, आपको महिलाओं के अधिकारों की चिंता क्यों नहीं होती, आपने ऐसे कैसे बोला। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, तमीज से बात क्या कीजिए ना, कहा कि अगर कोई बताइए इस बयान का क्या मतलब निकल रहा है, आप बताइए काजी, अगर एक सीएम को काजी बनने का शौक है, आपको लग रहा है कि हेमंत बिस्व शर्मा दूसरों के निकाह पढ़ाने जाएंगे। अब मेरी बात सुनिए, नहीं तो आप बोलिए ना उनके बयान से क्या मतलब, अगर महिला समर्थन में बोलती क्योंकि उसे पता है कि उसका हक मिल रहा है, तो आप लोग संगी है, अगर एक महिला मुखालिफ तो हूं नहीं, नहीं तो आप बोलिए ना इस बयान का मतलब क्या है, आप डिकोड कीजिए, आप बहुत जवाब दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपने कहा कि काजी का सारा इख्तियार छिन जाएगा, नहीं उनको ऐसा लग रहा है, उनको मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे तो पता है कि काजी का काम होता है गलत बोलना, उनकी पैरवी तो करने आए नहीं, उनकी पैरवी तो करने आए नहीं, और वो अपनी बपौती रखते हैं, बाकी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन नो चला रहे हैं, जुडिशियल सिस्टम देश में चला रहे हैं, शरीय अदालत एक और चीज दिखाना चाह रही हूँ मुमताज जी, एक मिनट, मैं सिर्फ काजी की बात नहीं कर रही, मैं एक और दिखाना चाह रही हूं तस्वीर कि किस तरह से जब बात असम में होती है और बात रजिस्ट्रेशन शादी के रजिस्ट्रेशन की होती है, तो उसे यूसीसी का रास्ता कहा जाता है, और कहा जाता है इसीलिए हम सड़कों पर उतरेंगे, मैं वो बयान भी दिखा रही हूं स्क्रीन पर। लेकिन इसी के साथ साथ वक्फ को लेकर भी जो बात कही जा रही है उसको लेकर भी एक धमकी आ गई है, अब उसे लेकर धमकी जमीयत ने दी है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, मौलाना अरशद मदनी ने जो बड़ा बयान दिया है, वरुण जी आप भी सुनिए, अजय जी आप भी सुनिए, वो क्या कह रहे हैं वक्फ बिल पर, कि मस्जिदों पर कब्जा करने की कोशिश है, हमारी जमीन लूटने की कोशिश है, जमीनों के कागजात कहां से हम लाएंगे, ये भी कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि सरकार से लड़ाई हम करेंगे, दबाव भी डालेंगे, ये भी ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं बात नहीं मानी तो धमकी भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं इतनी संख्या में मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे और सरकार और हुकूमत से लड़ाई लड़ेंगे, भीड़ इकट्ठा करके जवाब मांगेंगे।